नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है स्ट्रिंग्स लेसन फॉर ऑल। तो आप को मैं आज बताने वाला हूँ कि हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं वायलिन के कुछ बहुत ही बेसिक बिगनर लेसन से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं हमारे नेक पार्ट। नेक के बिल्कुल साथ में ये लगे हुए हैं पैचेस, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिंग पैच या ट्यूनिंग नॉब्स। इसके बाद ये हमारा स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग्स बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसके बिना वायलिन नहीं बज सकता। स्ट्रिंग्स के बिल्कुल बैक में ये जो ब्लैक पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं हम फिंगरबोर्ड। इसके बाद में हम आते हैं थोड़ा और नीचे, इसको बोलते हैं हम ब्रिज, वायलिन ब्रिज। इसके और नीचे आएंगे तो आपको नजर आएगी एक पूंछ की तरह होती है, इसे हम बोलते हैं टेल पीस। ये साथ में बहुत छोटी छोटी सी चीजें जिन्हें हम ट्यूनिंग एडजस्टर बोलते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया। इसके साथ में एक एफ होल नाम की चीज भी होती है, या साउंड होल भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा ओवरव्यू आपके वायलिन के लिए। अब जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है कि इसको हम बजाते हैं अपनी बो के हेल्प से। और बो जिसको हमें पकड़ना कैसे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थंब और मिडिल फिंगर का मिडिल पार्ट, ये दो चीजों की हेल्प से आप अपने बो को होल्ड करते हैं। बाकी इसको ऐसे पकड़िए आप इसको, और वायलिन को आप अपने राइट लेग पे रखेंगे और इसको ऐसे एज एन स्टैंड आप यूज कर सकते हैं। ये इंडियन क्लासिकल वायलिन बजाने के लिए पहली पोजीशन है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर से साउंड को क्रिएट कैसे करना है, यानी कि निकालना कैसे है। ये देखा आपने, इस तरीके से आपके वायलिन की साउंड प्रोड्यूस होती है। थैंक यू, आपसे अगले लेसन के साथ मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वायलिन में सबसे बेसिक ट्यूनिंग कैसे की जाती है और वायलिन के अंदर बेसिक एक्सरसाइज कैसे बजाई जाती हैं। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों, अलविदा, बाय बाय, दोबारा मिलते हैं एक नए लेसन के साथ।